निरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा 2.0 अभियान के तहत गोला थाने की पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 तमंचा 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है, जिनकी पहचान जय हिंद महताब उर्फ नायक खान व मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ मच्छर उर्फ छोटे के रूप में हुई है। धानी ना लड़ी, हम बहुत सीधा सीधा चलेला। प्रधान जी तो घोड़ा कभी चा इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। अभी पिछले दिनों एक असलहा खरीदने वाले लोग पकड़े गए थे बेलघाट क्षेत्र। वस्तुतः वो घटना प्रकाश में आई थी कि मुखबिर ने बताया था कि राघवेंद्र उर्फ बल्लू यादव हैं, अगर इन्हें आप पकड़ लेंगे तो इनके मोबाइल में तमाम असलहों के फोटोग्राफ्स मिलेंगे। उसी आधार पर फिर उनसे पूछताछ हुई तो दो आदमियों से असलहे बरामद हुए थे, लेकिन राघवेंद्र ने अगला पॉइंट एक जय हिंद निषाद बताया था जो गोला क्षेत्र का रहने वाला है। गोला पुलिस उसके पीछे लगी थी। जय हिंद की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फ़ोन में 6-7 ग्रुप ऐसे मिले जिनके बारे में उन्होंने बताया कि ये सभी मनबढ़ आपराधिक किस्म के लोगों के गिरोह हैं और ये सभी असलहे खरीद फरोख्त में या ले करके चलने में दादागिरी करने में अपनी बहादुरी समझते हैं। इस आधार पर जय हिंद के पास से एक असलहा बरामद हुआ और जय हिंद ने ही जो नाम बताए थे उन नाम में से दो लोग हमारे हाथ लगे, महताब और मोहम्मद अख्तर रजा। इनके पास से भी एक एक असलहा बरामद हुआ। जो इनका ग्रुप है उस ग्रुप में देवा, महाकाल, गैंगस्टर, डी कंपनी, AK-47, गुंडों का ग्रुप, MK के लिए क्या होता है, इस तरह के ग्रुप हैं। और जिसमें एक ग्रुप में तो कोई नंबर नहीं केवल एक है, बल्कि किसी में 5, किसी में 15, किसी में 22, 50 से ज़्यादा भी मेंबर्स हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि इनका कोई व्यक्ति उज्जैन में है, व्हाट्सएप पे उसी से ये सब चीज़ें संपर्क करते हैं, कन्वर्सेशन होता है और फिर वो किसी माध्यम से जिसकी इच्छा होती है उसके तक डिलीवरी करता है। डिलीवरी पॉइंट भी उन्होंने पड़ोस के एक जनपद में ही बताया जो हमारे बॉर्डर पे है। हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि अगर डिलीवरी पॉइंट वाला व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ में ये हो सकता है कि उसने कहाँ कहाँ डिलीवरी